साथियों नमस्कार। वर्तमान में राशन कार्ड समर्पण या निरस्तीकरण के संबंध में मीडिया पर विभिन्न प्रकार की भ्रामक व तथ्यों से परे प्रसारित की जा रही खबरों के खंडन के संबंध में यह पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि सौरभ बाबू आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश का है। इन्होंने क्या खबर भेजी है, आइए जानते हैं। तो वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन निरस्तीकरण की जा रही कार्रवाई के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवं भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही हैं, जो कि आधारहीन एवं सत्य से परे हैं, अर्थात गलत हैं, झूठी खबरें हैं, जो कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जा रही हैं। तो क्या है वो झूठी खबरें? प्रकरण में सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी या राशन कार्डों की पात्रता अपात्रता के संबंध में शासन आदेश दिनांक 7 अक्टूबर 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। उक्त मानकों का पुनः निर्धारण वर्तमान में नहीं किया गया है तथा पात्रता अपात्रता की कोई नवीन शर्त नहीं निर्धारित की गई है। यही भी स्पष्ट करना है कि सरकारी योजना के अंतर्गत यदि आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन या गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को या जिसके पास राशन कार्ड है उसको अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। फिर से, सरकारी योजना के अंतर्गत अगर आपको पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन या शस्त्र का लाइसेंस यानी बंदूक का लाइसेंस, मोटरसाइकिल का स्वामी है और या फिर मुर्गी पालन, गौ पालन इत्यादि है, तो आप को कार्ड में अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता, यानी आपका राशन कार्ड निरस्त नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, और इसमें एक और लिख दिया है कि जो राशन मिल गया है उसकी रिकवरी नहीं की जाएगी या वसूली नहीं की जाएगी। ये नियम बना था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसमें लिखा था कि रिकवरी के संबंध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण है। आगे जानते हैं इसकी पात्रता। तो चयन सूची में निष्कासन का आधार एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया या पात्र गिरफ्ती हेतु निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आदेश अनुसार या शासन के आदेश के अनुसार। नगरीय क्षेत्र की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो समस्त आयकरदाता, इसमें भी समस्त आयकरदाता ये लोग पात्र नहीं होंगे। ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन या वातानुकूलित यंत्र यानी AC या 5 KVA उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, यही क्राइटेरिया आपका इसमें भी है ग्रामीण क्षेत्र में। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ऐसा परिवार जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वयं अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित यानी जो स्वयं ने खुद ने मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय प्लाट हो, ऐसा इसमें भी दिया है। लेकिन सोनभद्र वालों को छूट दी गई है, और इसमें दिया है कि जो ग्रामीण स्तर पर उसमें 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपोरेट एरिया में व्यवसाय के स्थान ना हो, बिजनेस नहीं होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख प्रतिवर्ष से अधिक ना हो। अगला दिया गया है इसी में कि ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस या शस्त्र हों, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास 1 से अधिक शस्त्र या शस्त्र लाइसेंस हों, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रुपया 3 लाख से प्रतिवर्ष से अधिक हो। ये है कहाँ, शहरी क्षेत्र में, और 2 लाख का है ग्रामीण क्षेत्र में।
इस प्रकार से राशन कार्ड समर्पण के संबंध में प्रसारित हो रही समर्पण या सरेंडर करने के संबंध में पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरें शुद्धता से खंडन किया जाता है। सौरभ बाबू आयुक्त खाद्य रसद विभाग उत्तर प्रदेश और प्रतिलिपि भेजा है निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु और यह